ओम शांति। तो सोने से पहले हमें अमृत वेले को पावरफुल बनाने के लिए क्या करना, अपना सारा चार्ट बाबा को। अमृत वेले को पावरफुल बनाने के लिए अगर कोई बात दिन में हो गई, किसी से कहना सुनना हो गया, अगर किसी ने मेरे को गलत बोल दिया तो उसको क्षमा कर दो, ठीक है ना। और हमने किसी को गलत बोल दिया तो उसके लिए उससे क्षमा मांग लो। और कोई ऐसा वैसा के प्रति संकल्प चला कि ये ठीक नहीं, ये नहीं है, तो उसको क्या करो, उसका दैवी रूप इमर्ज करो, है नहीं। क्योंकि सभी तो जो भी ब्राह्मण आत्मा है सभी तो देवता बनेंगी, सभी फरिश्ता बनेंगी, सभी कोटों में को आत्मा है, सभी श्रेष्ठ आत्मा है नहीं। तो इस प्रकार से जब हम क्षमा कर देंगे, क्षमा मांग लेंगे, अपना चार्ट बाबा को देंगे, तो स्लेट कैसी हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। कोई समान बुद्धि में रखेंगे, बाबा की महिमा बुद्धि में रखेंगे, सुरक्ष का सीन बुद्धि में रखेंगे, तो सवेश रात को सोएंगे। और कोई आपने के समान बुद्धि में रखा तो रात भर सबकॉन्शियस माइंड उसको प्रैक्टिकल लाने में लगा रहेगा। क्यों, उसको जितना आप सोएंगे, जितना समय सोएंगे, वो सबकॉन्शियस माइंड के पास उतना टाइम है। अगर आपने मान लो तबीयत ठीक नहीं है तो ये सोचो हम तो बिल्कुल निरोगी हैं, बिल्कुल हमारी तबीयत ठीक है। अगर ये संकल्प लाएंगे तो सबकॉन्शियस माइंड आपको ठीक करने में रात भर लगा रहेगा, उसे काम मिल गया। बताया था ना, सर्वेंट की तरह है, जैसे सर्वेंट को कोई काम दे दिया तो वो काम करेगा, और नहीं अगर काम दिया तो जो मन में आएगा वो करता रहेगा, है नहीं। इधर उधर के संकल्प आएंगे, गलत स्वप्न भी आ सकते हैं, ये आ सकते हैं। इसलिए सोने से पहले अपना चार्ट बाबा को दो और कोई न कोई मुरली स्टडी करो, कोई न कोई समान बुद्धि में रखकर तब सो, ठीक है ना। तो जब रात सवेरे उठेंगे तो जो रात को आपने याद किया वही पॉइंट बुद्धि में आ जाएगा, वही मुरली के पॉइंट बुद्धि में आएंगे। और जब सवेरे उठते हैं ना तो उल्टा होता है, जैसे बताया था ना, सोते समय तो बीटा अल्फा थीटा डेल्टा, और जब उठेंगे तो डायरेक्ट हमारी स्टेज उसमें अल्फा की होगी, मन उस समय शांत होगा, है नहीं। तो योग के लिए मन क्या चाहिए, शांत चाहिए। और उठे हैं तो उस समय मन शांत है, तो उस समय क्या होगा, आपका योग क्या होगा, सहज लग जाएगा। क्योंकि मेहनत करने की जरूरत है, दिन में तो मेहनत करो, ये करो, मन को शांत करो, तब योग लगेगा। और शांत ही है, किसी प्रकार का झंझट नहीं, किसी प्रकार का लफड़ा नहीं, तो तुरंत योग लगेगा और बाबा की गोद में जाकर बैठ जाओ। अल्फा से सूचन बतन जाना बहुत सहज है, बाबा को याद करो, गुड मॉर्निंग करो, है नहीं। कहते ना उठ के, किसी किसी का होता ना, कहते कि दिन खराब होता किसका मुंह देख लिया जो आज दिन खराब हो गया, नहीं तो किसका, सवेरे उठ के किसका मुंह देखो, परम पिता परमात्मा का, है नहीं। तो आपका सारा दिन कैसा हो जाएगा, श्रेष्ठ हो जाएगा। और उठते ही जो रात को आपने याद किया था, समान बुद्धि में रखे थे, या तो उनको याद करो, अगर कोई याद नहीं तो फिर भी कोई न कोई समान बुद्धि में याद करो, है नहीं। सवेरे अमृत वेले मन शांत, तो जो समान बुद्धि में रखेंगे वो सबकॉन्शियस में चला जाएगा, और सबकॉन्शियस में जो चला गया वो सारा दिन फिर एक्टिवेट रहेगा। अच्छी अच्छी बातें अमृत वेले याद करके अच्छी अच्छी बातों को स्मृति में लाना, ठीक है ना। ओम शांति।